Good morning, children. Now today we are going to learn about rotation and revolution. How days and night are posed. So we'll see about rotation and revolution of the earth. The earth is shaped like a sphere and is tilted. अब अर्थ कैसा है बच्चों? Sphere in round shape. And it is tilted up and down. The imaginary line that runs through the earth from the top of the bottom is known as axis. जो line, imaginary line बीच में जो है ऊपर से नीचे तक वो line को बोलते हैं, दैट लाइन इज कॉल्ड एक्सिस एंड इट्स अपर एंड इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड द साउथ एंड इज कॉल्ड लोअर एंड इज कॉल्ड साउथ पोल. ऊपर का जो पार्ट होता है, जैसे ये ऊपर का पार्ट होता है इसको नॉर्थ, नीचे का पार्ट होता है उसको साउथ पोल. द अर्थ स्पिन्स अराउंड इट एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. हमारा डे नाइट कैसे बनता है? अर्थ जो है वो पूरा स्पिन होता है वेस्ट से ईस्ट तक. एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन. इसका जो ये मूवमेंट, स्पिन होने का मूवमेंट जो है उसको बोलते हैं रोटेशन. द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन अबाउट 24 आवर्स. पूरा रोटेशन वो 24 आवर्स में कंप्लीट करता है. उसमें बच्चों देखो, हमारा 12 आवर्स नाइट का होता है, 12 आवर्स डे का होता है. इसके 12 एंड 12 दोनों मिलके 24 होता है. सो इसका रोटेशन को पूरा 24 आवर्स लगता है. 24 आवर्स में हम सन की फेस साइड होते हैं तो हमको दिन होता है, और सन की फेस नहीं होता है वो पार्ट में नाइट होता है. द इक्वेटर इज द लाइन लोकेटेड एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द पोल्स. इट इज डिवाइड द अर्थ इंटू टू इक्वल हाफ. अब अर्थ के बीच में जो लाइन होती है उसको बोलते हैं इक्वेटर. एंड दिस इक्वेटर डिवाइड्स द सन इनटू टू पार्ट. दोनों पोल के बीच में होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. और ये जो उसका डिवाइड होने का पार्ट जो होता है इक्वल होता है, हाफ अप एंड हाफ डाउन. सी बच्चों, द अपर हाफ ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. सी, ये हमारा अर्थ है. दिस इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, दिस इज कॉल्ड साउथ पोल. ये इक्वेटर, बीच में इक्वेटर जो लाइन है इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर जो है नॉर्थ साइड में, दिस इज कॉल्ड नॉर्थ हेमिस्फीयर. इक्वेटर के नीचे जो साउथ साइड में है इसको बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर. बोथ आर इन हाफ ऑफ पार्ट इन द अर्थ. While the earth rotates on its axis, it also moves around the sun in the orbit. This movement is called revolution. अब revolution में उनको 365 days लगता है. Rotation 12 hours का होता है, वो rotations 12 hours में day और night होता है, और revolution में 365 days and 6 hours होता है. उससे बनता है हमारा पूरा ईयर. 12 मंथ्स वाला जो पूरा ईयर है वो रिवॉल्यूशन करने में पूरा ईयर लगता है, और रोटेशन करने के लिए 24 आवर्स विच मेक डे एंड नाइट. एंड रिवॉल्यूशन है बच्चों वो 365 डेज का वन ईयर होता है. नाउ सी बच्चों, हाउ डज इट गोस. सी, हियर इट इज सन, दिस मिडल पार्ट इज सन, ये सन है. विंटर कैसे होता है, स्प्रिंग कैसे होता है, समर कैसे होता है, और ऑटम. अब देखो, सन के यहाँ से घूमते जो ये पूरा अर्थ है, बराबर यहाँ पे घूमते घूमते जाता है, तो ये नॉर्थ कम हो जाता है और साउथ ज़्यादा रहता है. देन इट गोज हियर, देन इसका इतना ही एक्सिस बाकी रहता है, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग.
फिर वापस वहाँ से यहाँ आता है हाफ पार्ट से थोड़ा कम, दैट इज बिकम समर एंड ऑटम, ऑटम स्प्रिंग की तरह दिस ओनली दिस मच पार्ट इज ऑटम। सो अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसका रोटेशन ऐसे चलता है, सन होता है उसको पूरे ऐसे घूमते घूमते सन होता है, रिवोल्यूशन एंड इट्स टिल्ट इन द एक्सिस कोज डिफरेंट सीजन। इसकी वजह से ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, समर, ये जो हमारा सीजन्स होता है वो रिवोल्यूशन की वजह से होता है। रोटेशन से हमारा डे एंड नाइट होता है, रिवोल्यूशन से हमारा सीजन्स आता है। ड्यूरिंग रिवोल्यूशन द पार्ट ऑफ द अर्थ टिल्टेड्स टूवर्ड द सन एक्सपीरियंस समर्स बिकॉज इट इज गेट्स मोर लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। जो पार्ट सन की तरफ ज़्यादा, देखो ये समर, समर सन की साइड ज़्यादा है, सो हियर इट गेट्स सो मच हीट ऑफ द सन, सो ड्यू टू द हीट वी समर इज, बिकॉज समर इज हैविंग लाइट एंड हीट ऑफ द सन, सो इट कॉज समर। द पार्ट टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस विंटर। अब विंटर देखो, ये पार्ट ज़्यादा इधर है और ये कम है, तो दिस इज विंटर बिकॉज इट गेट्स लेस लाइट एंड हीट ऑफ द सन। विंटर में हमको सन का लाइट भी कम होता है और हीट भी कम होता है। जल्दी रात को देखते हो ना बच्चों, रात जल्दी हो जाता है, शाम को 6:30 बजते हैं तो अंधेरा हो जाता है, सो सन का लाइट कम होता है और हीट भी कम होता है, दैट कॉजेस विंटर। नाउ फैक्ट में क्या है देखो बच्चों, अ वॉल्केनो इज एन ओपनिंग ऑन द अर्थ सरफेस, वेरियस गैसेस एंड मोल्टन रॉक्स कॉल्ड मैग्मा कम आउट ऑफ थ्रू द ओपनिंग। अब ये वॉल्केनो जो है वो अर्थ सरफेस का ओपनिंग है और वो किससे, गैस और रॉक से बना हुआ है, मैग्मा केम आउट थ्रू द ओपनिंग में। इफेक्ट खाली बच्चों आपको जानने के लिए है। अब बच्चों ये पता चला ना, रिवोल्यूशन से सीजन्स चेंज होता है, रोटेशन से डे एंड नाइट चेंज होता है। नाउ लाइटनिंग, थंडर एंड रेनबो। सी बच्चो, व्हाट आर द डिफरेंट साइट दैट यू ऑब्जर्व इन द स्काई ड्यूरिंग द रेनी सीजन, डिस्कस। रेनी सीजन में आप क्या क्या देखते हो? तो रेनी सीजन में हम बारिश देखते हैं, लाइट देखते हैं, फिर वो लाइटनिंग के साथ थंडर एकदम आवाज आता है ना, बिजली बोलते हैं वो, एंड वी सी द रेनबो, 7 color rainbow। ये सब हम रेनी सीजन में देखते हैं, रेनबो का 7 color होता है और लाइटनिंग और थंडर, एकदम बारिश के साथ लाइटनिंग भी होता है और थंडर भी होता है। इन द रेनी सीजन व्हेन डार्क क्लाउड्स अपीयर इन द स्काई वी ऑफन सी स्ट्रेक्स ऑफ लाइट फ्लैशिंग इन द स्काई फॉलोड बाय लाउड साउंड। अब जब काले काले बादल हो जाता है, बारिश आने का टाइम होता है, तो बादल कैसे हो जाते हैं बच्चों, आपको पता है ना, काले काले बादल हो जाता है और उसमें से जो लाइट फ्लैश होता है स्काई से वो लाउड साउंड बजाता है, एंड दिस ब्राइट स्ट्रेक्स ऑफ द लाइट आर कॉल्ड लाइटनिंग, एंड द साउंड्स, लाउड साउंड्स आर कॉल्ड थंडर। हम बोलते हैं ना बिजली का कड़ाका एंड भड़ाका, उसको बोलते हैं लाइटनिंग एंड थंडर। थंडर कैन वेरी फॉर्म अ लो रंबल टू अ लाउड क्रैक। थंडर जो होता है वो एकदम लाउड क्रैक से होता है, एंड अ स्टॉर्म एकम्पनीड बाय लाइटनिंग एंड थंडर इज कॉल्ड अ थंडर स्टॉर्म। जो स्टॉर्म बारिश आने के टाइम एकदम बिजली और आवाज आता है, उनकी वजह से जो हवाई के साथ बारिश आता है उसको बोलते हैं थंडर स्टॉर्म। आफ्टर रेन समटाइम्स वी सी द कलरफुल रेनबो। ये अब जब बारिश आ जाता है, ब्लैक बादल हो जाते हैं, बादल में से बारिश आता है, बारिश आता है तो लाइटनिंग एंड थंडर से बारिश आता है, दोनों मिलके थंडर स्टॉर्म होता है, एंड देन वी सी द रेनबो समटाइम्स इन द स्काई। दीज आर ऑल नेचुरल फिनोमिना। ये कौन करता है सब? गॉड, हम नहीं बनाते ये सब, ये सब गॉड से, भगवान से होता है।
अब लाइटनिंग एंड थंडर, ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म वी जनरली सी लाइटनिंग फर्स्ट एंड देन हियर थंडर। अब जब बिजली बारिश आता है तो बिजली का आवाज आता है तो पहले बिजली का हमको लाइट दिखाई देता है और फिर एकदम जोर से उसका आवाज आता है। दिस इज बिकॉज लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन द साउंड। ये क्यों ऐसे होता है? क्योंकि लाइट का ट्रैवलिंग जो होता है वो साउंड से फास्ट होता है। सो पहले लाइट आता है एंड देन साउंड होता है। बिजली पहले दिखती है एंड देन उसका आवाज आता है। लाइटनिंग इज वेरी, एट टाइम्स इट स्ट्राइक्स टॉल ऑब्जेक्ट्स लाइक ट्रीज एंड बिल्डिंग्स। वो बिजली, कभी भी लाइटनिंग गिरता है, आपने सुना होगा बिजली पड़ी सब लोग बोलते हैं ना, वो बड़े बड़े ट्रीज के ऊपर गिरती है और बड़े बड़े बिल्डिंग्स के ऊपर गिरती है। लाइटनिंग इज अ वेरी पावरफुल एंड कैन बी डेंजरस टू। लाइटनिंग बहुत पावरफुल भी है, डेंजर भी है। वो जहाँ गिरती है वहाँ सबको मार देती है। इट कैन डैमेज बिल्डिंग, अदर स्ट्रक्चर्स एंड प्लांट्स एंड इट कैन इवन हार्म एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, हमारे ऊपर गिरता है तो हम भी मर जाते हैं। प्लांट्स के ऊपर गिरता है तो प्लांट्स गिर जाते हैं, बिल्डिंग के ऊपर गिरती है तो बिल्डिंग गिर जाता है। सो इट कॉज वेरी डैमेज, डैमेज मीन्स नुकसान बोलते हैं ना बच्चों। बिजली गिरने से हमको बहुत ही नुकसान होता है, हमारा लाइफ भी चला जाता है, हम मर भी जाते हैं। सिंस इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट व्हाइल लाइटनिंग वेयर लाइटनिंग विल स्ट्राइक, वी मस्ट टेक सर्टन प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम इट। अब ये जो बिजली का लाइटनिंग आता है तभी हमको हमारा प्रोटेक्शन करना चाहिए। अब क्या प्रोटेक्शन करना है बच्चों? विल सी द फॉलोअप। सी हियर इज द प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म टू अवॉइड गेटिंग स्ट्रक बाय लाइटनिंग। लाइटनिंग से हमको स्ट्रक होने का क्या क्या हमको करना चाहिए प्रिकॉशंस? वो नेवर स्टैंड नियर टॉल मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स लाइक पॉल। कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट्स होता है, पोल थंबे होते हैं ना बड़े बड़े, वहाँ पे खड़ा नहीं रहना चाहिए। इनफैक्ट अवॉइड स्टैंडिंग क्लोज टू एनी मेटेलिक ऑब्जेक्ट सच एज फेंसिस। हमारे घर में फेंसिस जो होते हैं ना उसको भी मेटेलिक मीन्स आयरन का, लोखंड का जो होता है उसके बाजू में खड़ा नहीं रहना चाहिए। डू नॉट कैरी अम्ब्रेला विथ मेटेलिक हैंड्स। मेटेलिक हैंड वाली अम्ब्रेला भी यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये लाइटनिंग और थंडर है ना मेटल को जल्दी वो करता है। नेवर टेक शेल्टर अंडर टॉल ट्रीज एंड नेवर नियर टॉल बिल्डिंग। कभी भी बारिश आती है थंडर स्टॉर्म से, देन नेवर स्टैंड अंडर द ट्री, नेवर स्टैंड अंडर द टॉल बिल्डिंग। दे आर मोर लाइकली टू स्ट्रक बाय लाइटनिंग, हाउएवर इट इज सेफ इनसाइड अ बिल्डिंग सो टेक शेल्टर इनडोर्स। अब ये जो बिल्डिंग और पोल्स, ट्रीज, ये सब जो है वो लाइटनिंग को जल्दी स्ट्रक करता है। सो वी शुड स्टे इनसाइड द बिल्डिंग, वी शुड नॉट टेक शेल्टर अंडर द ट्रीज एंड बिल्डिंग, वी शुड गो इनसाइड द बिल्डिंग्स। Avoid going near water such as puddles and swimming pools as water conducts electricity and hence it is better to avoid such areas, move to dry area. अब देखो जब बारिश आती है, थंडरस्टॉर्म होता है तब वाटर एरिया के बाजू में भी हमको, वाटर बॉडीज के बाजू में भी नहीं जाना चाहिए, स्विमिंग पूल के बाजू में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी फास्ट, सो वी शुड नॉट गो देयर। If you are traveling, then it is safe to get into a bus or car with all the windows closed. अब तुम traveling करते हो और ऐसे बारिश के साथ, आवाज के साथ बिजली और बारिश आता है, you should close your windows of the bus or the car. Do not touch any electronic gadget like a phone if it is plugged into a socket. अब इलेक्ट्रिकल फोन से, इलेक्ट्रिकल गैजेट, कोई भी इलेक्ट्रिक चीज को भी टच नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे भी सॉकेट जल्दी लगता है। देर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ रिसीविंग अ शॉक इन सच केस,
यू शुड टेल योर पेरेंट्स टू टर्न ऑफ द स्विच एंड रिमूव द इलेक्ट्रिकल पिन फ्रॉम द सॉकेट। अब हमारे घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस पिन से लगा हुआ बोर्ड में होता है, वी शुड रिमूव इट व्हेन दिस थंडर एंड स्टॉर्म कम्स। हाउएवर नेवर डू दिस योरसेल्फ। ये अपने आप कभी नहीं करना है, रिमूव करना है होता है पिन, अपने पेरेंट्स को बोलने का रिमूव करने का, अपने आप रिमूव नहीं करना है। सो दिस वे द प्रिकॉशन मेजर्स यू शुड डू ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म। जब भी बारिश के साथ आवाज बिजली के साथ थंडर स्टॉर्म होता है, तब इतना प्रिकॉशंस जो है हमने ये अभी किया वो ध्यान में रखना है। थैंक यू चिल्ड्रेन।